हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं देहरादून में और आप मेरे पीछे देख सकते हो यह है सहस्त्रधारा। जैसा कि नाम है सहस्त्रधारा, आप देख सकते हो कि बहुत सारी धाराएं यहां पर बहती हैं और लोग यहां पर नहाते हैं। यहां पर ट्यूब्स भी रखे हुई है, लॉकर रूम भी है, तो आप ट्यूब ले सकते हो। लॉकर रूम है तो आप अपने साथ में अगर कपड़े चेंज करने हैं वो भी है। अभी देखते हैं, आज पानी थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि बारिश हो रखी है पहाड़ों में, बट अगर साफ होगा तो थोड़ा नहा के देखते हैं यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर सहस्त्रधारा रोपवे और 200 रुपये टिकट है इसका, आना जाना दोनों। ये देख लो आप, 200 टिकट है और ऊपर ये जा रहा है रोपवे, इस पे चलते हैं और फिर उसके बाद ऊपर का सीन दिखाते हैं। सो ये रोपवे आ गया है, इसके अंदर बैठते हैं हम। चल दिया उड़न खटोला और हम बैठ चुके हैं। मैं तो पहले भी बैठ चुका हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर का सफर है। मनु तो पहुंच चुके हैं ऊपर रोपवे से, अब यहाँ का नजारा दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर गेमिंग का भी है, अगर आप चाहो तो गेम खेल सकते हो। चल मेरे घोड़े चल। ऊपर ही आपका रेस्टोरेंट भी है, खाना पीना आप कर सकते हो इधर। बहुत ही ब्यूटीफुल है, फोटो वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये। तो गाइज मेरे पीछे देख सकते हो आप, यहाँ ऊपर साईं बाबा का मंदिर भी है।
और इसके चारों तरफ देखो क्या ब्यूटीफुल माउंटेन है, और नज़ारे देखो इसके। और यहीं पर ऊपर डीजे भी लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग डांस कर सकते हैं खूबसूरत नज़ारों के बीच। तो आप चल दिए नीचे को, करीब यहाँ पर 1 से 2 घंटा आप स्पेंड कर सकते हो। और अब नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि गर्मी बहुत है तो नहाने का क्या इंतजाम है, उसके बाद थोड़ा नहाया जाए। तो गर्म भी होगी। वैसे वाटर पार्क भी है नीचे, अगर आप चाहो तो वाटर पार्क में नहा सकते हो, क्योंकि अभी पानी कल बारिश होने की वजह से थोड़ा सा गंदा हो रहा है सहस्त्रधारा का। देखते हैं अगर पानी साफ रहा तो वहां पर नहा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में, और ये है यहाँ से बाहर का नज़ारा। आपको यहाँ पर पूजा सामग्री और खाने पीने की सामान मिल जाएंगे। आगे अंदर चल के दिखाते हैं और दर्शन करते हैं। ये पहुंच गए अंदर और देख सकते हैं यहाँ से नदी बह रही है। सो दोस्तों, देख सकते हो मेरे नीचे ये छोटी सी नदी बह रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दोनों तरफ मंदिर है, एक साइड पे माता वैष्णो देवी की गुफा है जहाँ हम हो आए हैं अभी, अभी दूसरी साइड पे है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर अभी चलते हैं और वो दिखाते हैं आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है मंदिर का, देखो आप। और पार्किंग है यहाँ पर, अगर आप अपनी गाड़ी से आए हो, मैं भी अपनी गाड़ी से आया हूँ, तो पार्किंग आप लगा सकते हो।
ये है महादेव का मंदिर। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि पानी की बूंदें गिर रही हैं, इसीलिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। यही टपक रहा है ना पानी। सो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं FRI में, आप मेरे पीछे देख सकते हो, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, और ये इसका कैंपस है, बहुत ही खूबसूरत है। देहरादून का एक और प्लेस है जहाँ पर घूमने लायक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसके अंदर जाके इसके नज़ारे देखते हैं। और सुना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की भी शूटिंग यहीं पर ही हुई थी, तो चलिए अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। तो ये देखो, ये है पूरा व्यू इसका फ्रंट का, और इसके पीछे आप देखो बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई रील्स बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, और कोई कुछ तो कर ही रहा है। बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पर, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मूवी में भी यही सीन दिखाया था वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। सो गाइज, आप पहुंच चुके हैं माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री में देहरादून में। और सब अगर देखा जाए देहरादून में, अगर आपको घूमना है, चाहे टपकेश्वर हो या माइंड रोलिंग हो या सहस्त्रधारा हो, सब अपने से क्या है कि 20-22 लगभग किलोमीटर दूर है। मतलब आपको अगर अपना व्हीकल है तो 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। तो अपनी गाड़ी हो तभी आप एक दिन में सब जगह घूम सकते हैं, अदरवाइज आपको लोकल गाड़ी करनी पड़ेगी, जो कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो और टाइम लगे आपको। तो अभी देखते हैं अंदर टेंपल को कैसा है। पार्किंग यहाँ पर है, 50 रुपीज़ में पार्किंग है अंदर, और उसके बाद टेंपल को देखते हैं। और यह है मॉनेस्ट्री के अंदर का नज़ारा। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर एक मर्सिडीज कार खड़ी हुई है, और इसकी हिस्ट्री ये बताई जाती है कि 1986 में जो दलाई लामा जी थे उनके लिए ये कार थी, बट उसके बाद उन्होंने ये मेन रोलिंग में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ये रख दी है ये कार। तो आप देखो कितनी पुरानी मर्सिडीज है ये, अब आजकल तो ये लोगों आते भी नहीं है आगे लगे हुए। और ये देखो टायर में भी उसका लोगो लगा हुआ है। और ये बैक से, ये जो नंबर प्लेट है बता रहे हैं कि दलाई लामा जी के नाम पे थी हिमाचल में जब वो थे, अभी भी हैं, बट उन्होंने उसके बाद ये गाड़ी यहाँ दे दी है, तो ये उसके लिए रखी हुई है ताकि लोग देख सकें इसे।